साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है RBSC हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम लेखक फिराक गोरखपुरी के परिचय का अध्ययन करेंगे, जो NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका मूल नाम रघुपति सहाय तथा इनका जन्म 28 अगस्त 1896 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई। इनकी पत्नी का नाम किशोरी देवी था। इन्हें फारसी, हिंदी व ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनकी रचनाएं शायरियां इस प्रकार हैं: गुल ए नज़मा, मशअल, रूह ए कायनात, नग्म ए साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज ए कायनात, चिरागा, शोला ए साज, हजार दास्तान। इनकी नज़में इस प्रकार हैं: हिंडोला, जुगनू, नकुश, आधी रात, परछाइयाँ, तराने इश्क। इनकी रुबाइयाँ सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने साधु और कुटिया उपन्यास भी लिखा। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं: इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का श्री गणेश गजलों के माध्यम से किया। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबरबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है। उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी आता है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख, सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा का प्रतीक बनाकर अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेवादी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, अर्थात एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। अमीर और गालिब की तरह फिराक में भी कहने की इस शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। साथियों, आशा करता हूँ कि यह परिचय आप सभी को भलीभांति समझ में आया होगा। NCERT अनिवार्य हिंदी व हिंदी साहित्य से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। अतः अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस आप प्राप्त कर सकें।